हेलो अमीगोस, कैसे हैं आप सब? और अपने अंदाज से कहो तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है आप सबके दौरान विजन आरडी चैनल पर। आप सबके इतने मान सम्मान आदर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम डीप ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द लव यू गाइस आर ऑन द चैनल एंड गॉड ब्लेस यू। सो हम जो टॉपिक करने आए हैं आज, वो किसी की रिक्वेस्ट थी किसी की, सो हम वो टॉपिक करने वाले हैं। और यूजुअली मैं ना नेगेटिविटी पे इतना फोकस करना प्रेफर नहीं करती हूँ। आई सी लॉट ऑफ पीपल यू नो टारगेटिंग मी अराउंड यूट्यूब, बट मैं विश्वास रखती हूँ कि मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। मेरा कॉम्पिटिशन मेरे खुद से है, मिरर में है, खास करके जो 90% लोग कॉपी कर रहे हैं उनसे तो क्या ही कॉम्पिटिशन करें। सो एनी वे, सो इंसान को, मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना प्रेफर करती हूँ कि अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है, मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए। मेरे पास इतना फालतू टाइम ही नहीं है कि मैं दूसरों की वीडियोज़ देखती रहूँ। आई हैव सो मच टू डू इन लाइफ, ओके। और वैसे भी मैं आई फोकस ऑन बिल्डिंग रादर देन डिस्ट्रॉइंग। जो एक रियल हीलर होता है, जो रीडर होता है ना, अगर आप सच में कोई जेन्युइन टैरो रीडर हैं, तो सबसे पहले तो आपका काम बोलता है, सर्टिफिकेट्स दिखा के जो है इस तरह से, जो है ना, मतलब ये तो वो हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। और आप दूसरों को अपलिफ्ट करते हो, चाहे वो आपके फेलो रीडर्स ही क्यों ना हो। बट मैं देखती हूँ बहुत सारा नेगेटिविटी दूसरे रीडर्स मुझे फेक अकाउंट सबसे पोस्ट करते हैं, और अपने सो मच नेगेटिविटी आई एम गेटिंग। बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि 80% ऑल ऑफ दोज पीपल हैव बीन कॉपिंग मी। एवरीथिंग आई डू हैज़ बीन कॉपीड, बट दैट्स ओके। अब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट पॉलिसीज कुछ थोड़ी ऐसी हैं यहाँ की, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इन सब में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। सो बट आप सबसे इसे शेयर करें, आप सब मेरी फैमिली, आपको पता होना चाहिए कि ये जो इतने पॉजिटिविटी का ड्रामा करते हैं लोग, वो एक्चुअली कितने पॉजिटिव हैं, ठीक है। सो आई विल जस्ट से कि रियल क्वींस, रियल वुमेन फिक्स ईच अदर्स क्राउन्स। एज अ रीडर, एज अ हीलर, आप दूसरे में कमी निकालने के बजाय आपको अपने फेलो रीडर्स, फेलो ट्राइब को, सोल ट्राइब को अपलिफ्ट करना चाहिए, ना कि आपको नेगेटिविटी फैलानी चाहिए या उनमें कमी निकालनी चाहिए। क्योंकि कमी मतलब हर एक में होती है, बट जिसको आप कॉपी कर रहे हो, जिसके हर चीज़ आप जिससे इंस्पायर हो रहे हो, उसको कैसे आप इस तरह से अपनी नीचा दिखा सकते हो। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट देयर कैरेक्टर, पता चल रहा है क्या वैल्यूज है क्या नहीं है। बट चलो एनी वे, ठीक है। बट आप लोग फिर भी इतनी पॉजिटिविटी मुझे देते हो, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, सच में दे रियली एनकरेज मी। सो तो इसलिए मैं कहूँगी, आप जो लोग सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो आपके मनपसंद टॉपिक्स हैं, रीडिंग्स हैं, गुफ्तगू, रिलेशनशिप कोचिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग में लेकर आने वाली हूँ, सो देयर सो मच मोर कमिंग, और आप उसको मिस आउट नहीं करेंगे। और आपकी एनर्जी कनेक्ट करेगी ना रीडिंग के साथ, तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा एक्यूरेसी आप देख पाएंगे आपकी रीडिंग्स में, ठीक है। और जब आप लाइक करते हैं वीडियो को, तो आप क्लेम करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको नहीं पता कि क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज हो सकता है किसी के लिए, जो आप शेयर करके उनका दिन, उनकी लाइफ बदल सकते हो, उनका दिन अच्छा बना सकते हो, ठीक है, उनकी लाइफ को बेहतरीन कर सकते हो। तो शेयरिंग इज केयरिंग। और जब आप कमेंट में दो चार कुछ अच्छे शब्द, कुछ आपका फीडबैक, कुछ आपकी एक्सपीरियंस जो टॉपिक से रिलेटेड हो लिख के जाते, तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो ठीक है, बट एनी वे आई वुड जस्ट रियली लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। मुझे पता है मेरा काम क्या है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, सो थैंक यू सो मच। मैं हमेशा अपने काम पे फोकस करती हूँ, मुझे आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं हाँ, जवाब ज़रूर इस तरह से कई बार देना पड़ता है कि उनको ये ना लगे कि दे कैन वॉट एवर, कुछ भी वो बोल के निकल सकते हैं। सो बट आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं कभी किसी को ऐसा टारगेट कर रही हूँ, जैसे हर कोई मुझे ही करता रहता है टारगेट, पता नहीं क्यों। कॉपी भी मुझे कर रहे हो, टारगेट भी मुझे कर रहे हो, डिसाइड कर लो पहले क्या करना है, ठीक है। सो ओके फ्रेंड्स, चलिए ये थोड़ी गुफ्तगू ज़रूरी थी आप सबके साथ, बिकॉज आई लव यू ऑल। आपके साथ शेयर ना करूँ तो मैं किससे शेयर करूँ? आपको पता होना चाहिए ना, एज अ रीडर में हमारे हमें किस किस चीज़ से गुजरना पड़ता है, ठीक है। सो पॉजिटिविटी जो होती है आपके बिहेवियर में दिखती है, आप दूसरों को अपलिफ्ट करते हो, ना कि यू ट्राई टू ड्रैग देम डाउन टू योर लेवल, राइट।
ओके तो चलिए मैं आपसे भी कहूँगी, ठीक है। सो हमें हमेशा दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए ये डिग्री या सर्टिफिकेट से। आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? दीज दे आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। देखो, एक डिग्री आपको एजुकेटेड नहीं बनाती, आपको लिटरेट बनाती है। आपको एडुकेशन आपकी तब जाहिर होती है जब आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हो, लोगों को अपलिफ्ट करते हो, किसी डाउनट्रॉडन अंडर प्रिविलेज्ड या किसी बहुत डाउन एंड डिप्रेस पर्सन को उसकी ज़िंदगी में रोशनी लाते हो, उसको एलिवेट करते हो, ठीक है। ना कि इमेज कॉन्शियस हो जाते हो और जो ग्रेट लोग हैं उनके साथ उठते बैठते हो। दैट डजंट स्पीक एनीथिंग अबाउट योर एजुकेशन, अबाउट योर डिग्री। मेरा तो यही सोच है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। या सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। सो आज का टॉपिक ये है कि आपके जो हेटर्स, नहीं बोलूँगी बट कोई भी हेटर्स, फ्रेनिमीज बोल लो, कोई भी लोग जो आपको खास पसंद नहीं करते, हेटर्स ही कह लो एक तरह से, वो आपको व्हाट दे हेट अबाउट यू, ठीक है। अब देखो ये है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मैं नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करती हूँ, तो ये जो रीडिंग है मुझे जो सर्च दिखेगा मैं बताऊँगी, बट आई विल ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आता है। मैंने इसलिए जो है अभी प्री शफल कार्ड्स नहीं रखे हैं, मैं आप सबके सामने कार्ड शफल करके रखने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दो पाइल्स मैंने रखी हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। ओके सो मैं सिलेक्शन के लिए आई एम गोइंग टू पिक टू कार्ड्स। मुझे ना ये सेक्रेड इंडियन टैरो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा डेक है, बड़ा खूबसूरत डेक है, बड़ी खूबसूरत इमेजेस हैं इसमें। सो गाइज आई होप यू आर हैविंग अ गुड डे, और मैं विश करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा रहे। मैं विश करती हूँ कि आप सुख समृद्ध रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। सबसे अच्छा धन होता है आपकी अच्छी सेहत, तो आपकी सेहत जो है अच्छी रहे, ठीक है। कोई आपके विकार हो शारीरिक मानसिक, तो वो दूर हो जाए, ठीक है। सो मैं दिल से ये विश करती हूँ आप सबके लिए, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। मैंने दो पाइल्स के लिए कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। सबसे पहले आपने, आप थोड़ा सोचिएगा सिचुएशन के बारे में, या अगर आप जानते हो फॉर अ फैक्ट कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके ओपोनेंट्स कौन है या उनके फ्रेंडमीज कौन है, तो आप थोड़ा सोचिएगा कि भगवान को, यूनिवर्स को, जिस डिवाइन पावर को मानते हैं उनको याद करके आप रीडिंग पिक कर सकते हो, पाइल्स पिक कर सकते हो, कि कौन से आपके हेटर्स, व्हाट दे हेट अबाउट यू, ठीक है। सो चलिए ट्राई टू कीप इट पॉजिटिव। या सो दिस इज पाइल नंबर वन, द स्टार, ओके। पाइल नंबर वन द स्टार, एंड दिस इज पाइल नंबर टू द लवर्स। मुझे इसमें ना लवर्स का कार्ड बहुत खूबसूरत लगता है, राधे कृष्ण बने हुए हैं इनमें, राधे कृष्ण की तस्वीर है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। सो पाइल वन, पाइल टू, पाइल वन, पाइल टू, पाइल वन, पाइल टू, ओके। सो चलिए आप मेडिटेट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यू कैन पॉज द वीडियो इफ़ यू नीड मोर टाइम, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको और टाइम चाहिए, ओके। सो अब हम शुरू करने वाले हैं पाइल नंबर वन। सो गाइज ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आइज क्लोज करके आपने डीप ब्रेथ्स लेनी है, तीन, ओके। एंड जिस डिवाइन पावर को आप मानते हैं, सब वेलकम, अभी वेलकम ऑल रिलीजन्स, ओके। सो आप उनको याद कीजिए और भगवान से, डिवाइन पावर जिनको आप मानते हैं, एंजल्स, यूनिवर्स, उनसे बोलिए कि जो मैसेज आपको तक पहुंचना चाहिए वो मैसेज आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए सो पाइल नंबर वन, स्टैक नंबर वन जो है, पाइल नंबर वन, उनके जो हेटर्स हैं, जो फ्रेंडीज हैं, हेरन ओपनेंस हैं, व्हाट डू दे हेट अबाउट पाइल नंबर वन। ओके दैट वाज क्विक, बड़ी जल्दी कार्ड्स आ गए और काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, आप देख सकते हो काफ़ी सारे कार्ड्स एक बार में आ गए। वैसे मुझे जो है डेफिनेटली अगर दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर
क्लैरिफाइंग कार्ड की मुझे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, गाइडेंस की, गाइडेंस ही मुझे कार्ड्स में ही दिख जाती है, मुझे अलग से नहीं निकालनी पड़ती गाइडेंस, ओके। और मुझे जो और कुछ लगेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी इन्फॉर्मेशन। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज जस्टिस, देन वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्स, ओके, द स्टार, the empress, beautiful, knight of wands, that is amazing, I'm loving the energy already guys, temperance, yeah, the moon, nine of wands, I love nine of wands, I'll tell you why, if you know my readings, you'll know why I love nine of wands, page of swords, Eight of Pentacles, this reading is amazing, okay. So guys, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि general reading है, जितना resonate हो उतना ही लीजिएगा, बाकी सब कुछ आने दीजिए, ठीक है. So, okay, शुरू करते हैं. Just a moment guys. So friends, चलिए शुरू करते हैं, मैं Divine Family. आपके जो haters हैं, frenemies हैं, या जो hidden opponents हैं अपनों के फेस में, सबसे dangerous यही होते हैं, ठीक है. So मुझे सबसे पहले जो message आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने अपनी life में बहुत struggle किया है और कुछ ना कुछ आप ऐसा कुछ बहुत ही adversity, बहुत ही atrocities से गुजरे हैं, okay. And probably you guys have literally, some of you, God forbid, कुछ near death experience से भी आप गुजरे हो, या it was a do or die situation और उससे आप बाहर निकल के आए, you literally had a narrow escape from that atrocity, कुछ जो बहुत ही problem थी, बहुत ज़्यादा do or die situation थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसे problematic situation थी जिससे कि आप narrow escape वहाँ से निकल के आए, like a phoenix, okay, like a warrior, nine of wands जो होता है warrior का card होता है, ठीक है. आपने हार मानना नहीं सीखा, ओके, और सीखे भी क्यों, ठीक है. सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं उनको ये समझ नहीं आता कि भाई इसको कितना भी नीचे गिरा लो, येस, वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं. शायद कुछ लोग जो है आपके पीठ पीछे शायद कुछ ऐसा प्लॉटिंग स्कीमिंग करते हैं कि आप सर्वाइव ना कर पाओ. लिटरली आई एम हियरिंग सर्वाइव, सब कुछ चैनल्ड है फ्रेंड्स, जो मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पता क्या बोल रही, सब कुछ चैनल्ड है, ठीक है. वो नहीं चाहते थ्राइव, तो छोड़ो सर्वाइव भी ना कर पाऊँ, ये चाहते हैं, ठीक है. और उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे हर बार आप सर्वाइव कर जाते हो, ठीक है, कैसे हर बार आप नई शुरुआत कर लेते हो, ठीक है. और ये वो लोग हैं जिनको शायद आप मतलब आपको नहीं पता कि वो इतना नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में, आप शायद अनजान हो, आपको नहीं पता कि उनके मन में कि एग्जैक्टली कौन है जो इतना नेगेटिव सोचता है. शायद आप उनको, उनके बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचते हो, आप जो न्यूट्रल हो उनको लेके, ठीक है, ओके. सो एक चीज़ और है, आप शायद एक बहुत ही फेयर इम्पार्शियल पर्सन हो सकते हो कि आप गलत होते हुए ना देख सकते हो ना सुन सकते हो, मतलब आपको हो सकता है गुस्सा भी आ जाता हो इस बात पर ना कि कोई गलत बात पर ना आपको गुस्सा बड़ी जल्दी आता होगा, क्योंकि आप यू कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग रॉन्ग. आपको कहीं भी लगता है कि कुछ इमोरल हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, कुछ नाइंसाफी हो रही है, चाहे आपके साथ है किसी के साथ भी, आपको गुस्सा आ जाता है या आप इम्पेशेंट हो जाते हो या आपको लगता है कि यार मैं नहीं टॉलरेट कर सकती या कर सकता, ठीक है. और मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक बहुत ही जो जस्टिस का कार्ड है, चीज़ ये भी बोलता है कि आप में ना एक राइट और रॉन्ग की अच्छी समझ है. जैसे ऐसा कहा जाता है जस्टिस कार्ड के बारे में कि अगर आपको जज की पोजीशन पे बिठा दिया जाए ना, और आप फेवरेटिज्म नहीं करोगे अपना फैसला सुनाने में, अगर आपको कोई अपना खड़ा हो और कोई दूसरा पर्सन खड़ा हो, स्ट्रेंजर हो कोई, और आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने ने कोई गलत किया है, तो आप एक फेयर वर्डिक्ट दोगे, ओके, आप सही को सही, गलत को गलत बोलोगे, ठीक है. तो ये चीज़ आपकी बहुत उठ के आ रही है. आपके कुछ अच्छे कर्मास भी हैं, आपके कुछ अच्छे कर्मास भी हैं फ्रेंड्स, जो आपको बचाते हैं डिस्ट्रक्शन से, या आपको बचाते हैं प्रॉब्लम से. ये आपके अच्छे कर्मास हैं, आपके कुछ चाहने वाले हैं, यानी कि आपके वेल विशर्स हैं कुछ,
ठीक है, कि कुछ लोगों का आपने अच्छा किया है या जिस ऐसे लोगों की बहुत हेल्प करते हो, या मतलब कुछ आपके बहुत अच्छे कर्मास है फ्रेंड्स, आपकी सहन शक्ति बहुत अच्छी है, ठीक है, और इस वजह से आप हमेशा बच के निकल जाते हो प्रॉब्लम से, और ये यूँ कहें कि आप खुद बाहर निकल के आते हो, इवन इफ़ यू हैव टू क्रॉल बैक टू नॉर्मल लाइफ बट यू डू दैट, ठीक है। और मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है कि आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आपके ऊपर क्या बीती है, कि आई एम लिटरली हियरिंग द वर्ड हार्ट रेंडिंग, कितना लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं, उसके बाद आपने खुद को कैसे खड़ा किया है आपको देख के कोई कह नहीं सकता। सो और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो मुझे ये मैसेज आ रहा है, और आपकी खूबसूरती, आपकी खूबसूरत पर्सनालिटी, आपको एक नर्चरिंग होना, केयरिंग होना, मदरली क्वालिटी आप में हो सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ठीक है। इफ़ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस, तब भी आपकी नर्चरिंग क्वालिटी जो है बहुत अच्छी लगती है, और यू जस्ट हेट दैट, उनको लगता है कि भाई इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है, गुड लुकिंग और हैंडसम और व्हाटएवर, और ये जो ब्यूटी है ना, दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड लुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल, and when I say beautiful, it's your personality, it's more than just looks, it's your nature, it's your soul, okay, so that is what they hate about you, but hate is gonna hate, who cares, okay। उसके बाद स्टार कार्ड, आपकी ना चाहे एक टाइम ऐसा होता है, ठीक है, वी ऑल वॉलो इन सेल्फ पिटी या कुछ नेगेटिव इमोशंस हम फील करते हैं, वी ह्यूमंस, ओके, सो बट इवेंचुअली ना आपकी पॉजिटिविटी राइज कर जाती है, आपका हीलिंग ऑरा है एक, आपके आसपास लोगों को रहना पसंद है, लोग आपसे गाइडेंस लेने आते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं आपकी पॉजिटिविटी की वजह से, आपकी प्योरिटी की वजह से, कि बहुत प्योर इंसान हो आप, आपको लोगों को लोगों की खुशी देख के अच्छा लगता है, और आपको जो है कोई गलत कर रहा है किसी के साथ तो आपको उसको देख के गुस्सा आता है, आपको लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देख के, सफल होते हुए देख के खुशी होती है, तो मतलब एक इस तरह के इंसान हो तो जस्ट हेट, बिकॉज वो खुद थोड़े कंसीटेड पर्सन है, उनको आपकी खुशी है, किसी की खुशी देख के उनको खुशी नहीं मिलती है, उनको लगता है कि यार मतलब कैसे ये क्यों हो रहा है इसके साथ। ये वो लोग हैं जिनको कहते हैं ना कि आपकी ग्लोरी दिखती है, ग्लोरी के पीछे की हार्ड वर्क वाली स्टोरी नहीं दिखती इन लोगों को, ठीक है, ये वो लोग हैं, ठीक है, सो डोंट बी बॉदर्ड, ठीक है। अच्छा, और उनको ये भी लगता है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इररिस्पेक्टिव आपको हो सकता है ये लोग बोलते हो आप में पेशेंस नहीं है, आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, आपके इमोशंस इम्बैलेंस है, और इमोशंस इम्बैलेंस है, ये मैं भी कहूँगी कि है इमोशंस इम्बैलेंस, बट आई हैट्स ऑफ टू यू, आई वुड लाइक टू सैल्यूट यू कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, और आपने जो है ना इमोशंस को फिर भी बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हो आप, ऐसा ना कोशिश नहीं करते हो, ठीक है। और इन लोगों को ना, इनमें से कुछ लोग हैं मून कार्ड के साथ, जिनको आपको गुस्सा दिलाना, प्रोवोक करना, रिएक्शन देखना आपका बड़ा अच्छा लगता है, सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। आप शायद एक सिक्स ऑफ वॉन्स कार्ड के साथ बहुत डायनामिक, चार्मिंग, मैग्नेटिक, करिश्मेटिक पर्सन हो, आपके बहुत एडमायरर्स हो सकते हैं, एंड जब मैं कहती हूँ एडमायरर्स, मेरा मतलब है कि आपके काम, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से ये लोग आपको एडमायर करते हैं, ठीक है, और आपकी जो मतलब द वर्क यू डू, इसकी वजह से भी लोग आपको एडमायर करते हैं। सो ये जो एडमायरर्स हैं ना आपके, दे लुक अप टू यू, दीज पीपल लुक अप टू यू, ठीक है, ये आपको एक तरह से कुछ लोग आइडलाइज करते हैं, ठीक है, आप काफ़ी ग्लैमरस हो सकते हो, द वे यू कैरी योर सेल्फ इज अमेजिंग, वेरी ग्रेसफुली, ओके, एंड आई एम गेटिंग सम ऑफ यू, यू वेरी बिग ऑन लॉयल्टी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, you would rather choose dignity, respect and loyalty in any situation and every situation and walk away with silently or something, jahan pe bhi aapko lag raha hai ki ye cheeze nahi ho rahi hai, loyalty, respect ya what is the other thing I said, dignity, jahan pe aapko lag raha hai ki thodi matlab ye जो इंट्रूड हो रही है ये सब चीज़ें, ये बार ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, तो वहाँ से आप निकल जाते हो, ठीक है, और यू ऑलवेज चूज डिग्निटी, ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं बहुत यूथफुल लुक्स हैं आपके, लाइक अपनी एज से यंग लगते हो, थोड़े इम्पल्सिव हो, थोड़े अब मुझे लग रहा है अब ना आप लोग हाजिर जवाब हो गए हो,
ठीक है, आपके एनिमीज ये हेट करते हैं चीज़ें आपके बारे में कि यार इसको तो पहले कुछ भी बोल दो, उसको जवाब नहीं होता था, बट उसको देखो इतने हाजिर जवाब कैसे हो गया ये पर्सन, यू नो कि कैसे, समझ रहे हो? आपके पास जो है आप बहुत अच्छे डिस्कशन करते हो, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है, अब आप पहले हो सकते हैं पहले आप थोड़े ऐसी थे, मतलब लाइक मस्त मौला थे, इग्नोरेंट थे, नेग्लिजेंट थे, बट अब आप अलर्ट हो गए हो, अलर्ट हो गए हो, एक्टिव हो गए हो, अलर्ट एक्टिव इन द सेंस कि आपको पता चल रहा है, नोटिस करते हो चीज़ें, ऑब्जर्व करते हो चीज़ें, लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा है, क्या रीज़न हो सकता है, जो ऑब्वियस कुछ जो पहले इग्नोर कर देते थे, ठीक है, तो आपका माइंड जो है थिंकिंग एबिलिटी, ऑब्जर्वेंट एबिलिटी बहुत शार्प हो गई है, माइंड मत करना बट मेरा माइंड शार्प हो गया, इससे मेरा मतलब ये है कि पहले आप दिल से सोचते थे, अब आप माइंड को भी बैलेंस करके सोचते हो, ठीक है। सो उसके बाद देखिए नाइट ऑफ वॉन्स, उन लोगों को जो है ना मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग आपको गुस्सा जो है उनको लगता है कि यार इसको आपके मूड स्विंग्स उनको लगते हैं, ऐसे बड़े मूड स्विंग्स होते हैं, उनको ये नहीं दिख रहा कि तुम ऐसा कुछ कर रहे हो ना तभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या किसी की कोई चैलेंजेस हो सकते हैं लाइफ में जिससे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बट वो दे कंप्लेन अबाउट योर मूड स्विंग्स, ठीक है, बट उनको ये भी लगता है कि आप ना टिक के बैठ नहीं सकते हो कहीं पे, या आप रेस्टलेस हो, थोड़े चंचल स्वभाव के हो, या उनको ये भी लगता है कि आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, आपके काफ़ी सीक्रेट सूटर्स हो सकते हैं, आप ऑपोजिट जेंडर में पॉपुलर हो, या आपका ऑपोजिट जेंडर में काफ़ी अच्छे सूटर्स आपको मिल सकते हैं जिसके लिए उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अब वो बात अलग है कि आपको नहीं चाहिए, आप जो भी आपके थिंकिंग हो, आपकी चॉइस हो, वी रिस्पेक्ट दैट, बट ये उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी यूथफुल हो, यंग लोगों से आपकी बहुत अच्छी बनती है, चाहे वो बच्चे हो या आपकी एज से यंग कुछ सूटर्स हो, यंग लोगों के साथ आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। और ये भी आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स, मेरा फेवरेट कार्ड है, आई लव दिस कार्ड, ठीक है, वाई, बिकॉज आई टेल यू, इन लोगों को ये भी पता है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा है, आप कुछ ना कुछ नया करने का जील, एंथुसियाज्म रखते हो, ठीक है, और आपको ना मेहनत करने से नहीं डरते हो, एफर्ट करने से नहीं डरते हो, कितनी मेहनत करा लो, बट ना कई बार हो सकता है आपको रिजल्ट भी उतना ना मिलता हो, बट अब जो है ना आप स्मार्टली इन्वेस्ट करना सीख रहे हो, स्मार्ट वर्क करना सीख रहे हो, या यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, वो हार्ड वर्क, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और कुछ हेटर्स को आपकी ये चीज़ अच्छी लगती है, मेरे मुँह से निकला अच्छी लगती है उनको, ठीक है, बट सम ऑफ देम हेटेड, ठीक है। सो गाइज ओके, और ये थी आपकी रीडिंग, ओके, ज़ोडियक साइंस प्रीटी मच सारे ही आए हैं यहाँ पे, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा जय श्री गणेशा, तो गणेश गणपति बप्पा जो है दे विल टेक केयर ऑफ योर एनिमीज, ठीक है। चलिए गाइज, आई विल सी यू अनदर रीडिंग, टेक गुड केयर, पाइल वन, वेलकम पाइल टू। सो पाइल नंबर टू जिन्होंने कार्ड सेलेक्ट किया था, द लवर्स, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है, बहुत खूबसूरत कार्ड है, देखिए। सो आप लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लव लाइफ से लोग जेलस हैं, या आपकी लव लाइफ के बारे में आपके हेटर्स गॉसिप करते हैं, या आपको कौन पसंद करता है, क्या चल रहा है, दे ऑलवेज स्नूपिंग अराउंड, ओके। सो फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, ओके, और मैं आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ, ठीक है। सो आई चोज बाय द वे कि ना मैं आपके सामने कार्ड शफल करूँ, एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, हेट इज गोना हेट यू, जस्ट डू व्हाट यू डू, या फिकर मत करना आप व्हाट हेट इज टॉक्ड अबाउट, ओके। सो आप जो है थिंक अबाउट द डिवाइन पावर, जिस डिवाइन पावर को आप मानते हो उनको याद कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, आईज क्लोज कीजिए, और पॉजिटिविटी के साथ देखिए, उनको बोलिए कि जो मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए, वो जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए वो आप तक पहुंचा दे, फिर थैंक यू बोलिएगा उसको, ठीक है। सो चलिए, ओम नमः शिवाय, 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 फाइल्स में कार्ड्स एक साथ ही निकल के आ गए हैं, ठीक है। सो गाइज, पाइल नंबर टू में कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, अगर मुझे लगेगा आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड यू सम मोर इन्फॉर्मेशन, तो मैं और कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सो
So pile number one, we have the Eight of Wands. Let me put the cards aside. Yeah. Okay. Okay. So second card we have is Nine of Swords. Yeah. Then we have the Devil. Then we have the Hermit. Okay, this is getting interesting. The Hanged Man. Okay. Oof. Five of Swords. Ah, this is getting spicy. Okay, आप सोच रहे हो कि मैम ऐसे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, आप स्पाइस खुश क्यों हो रहे हो? मैं बताती हूँ. चल, Four of Wands. वो जो कहते हैं ना रीडर्स कि हम ना फालतू बातें नहीं करते, अरे वो मोटिवेशनल बातें होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है मोटिवेट करना दूसरों को. ठीक है, होना चाहिए विजडम तभी बातें बोलते हैं लोग. ठीक है, बट ऑफकोर्स हर एक में थोड़ी होता है. आपको ये विजडम वाली बातें, मोटिवेशनल बातें, फालतू बातें लग रही, इसी से पता चलता है कि आपको लोगों को मोटिवेट करना अच्छा ही नहीं लगता. फोर ऑफ पेंटिकल्स, The Star, The Hierophant, Queen of Swords. Wow, Queen of Wands, nice. So guys, let's pick more cards. We have Seven of Wands. Okay. King of Pentacles. Yeah, okay. Just wait, huh? Friends, please wait. Let me arrange some space. Yeah, already the sare cards pade hain na table pe. Okay, then we have the King of Wands. Okay, we have Divine Counterparts here. Queen of Cups in reverse. It's okay. Then Ten of Pentacles. Okay. So, सबसे पहले बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में. Alright, I would like to inform you first of all कि आपके जो ये haters हैं, frenemies हैं, enemies हैं, hidden opponents हैं, definitely देखिए Seven of Wands card आया है. Seven of Wands card, आप में से कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि कौन कौन आपके hidden enemies हैं. आपको ये तो आइडिया है कि हैं, बट कौन कौन है ये आपको पता भी नहीं है कि आपके कितने सारे हिडन एनिमीज हैं. बट कोई बात नहीं, एनिमीज उन्हीं के होते हैं जिनमें दम होता है राइज करने का, कुछ अलग कर दिखाने का, ऊपर उठने का, हाँ, वो काम हासिल करने का, सक्सेस का. तो उसी को लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है, तो खुद में तो दम है नहीं. ठीक है, जैसे मेरे साथ होता रहता है ये, राइट, दूसरे लीडर्स करते रहते हैं, क्योंकि हम एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, यू नो, हमें दुनिया कॉपी करती है, हम तो किसी को उल्टा नहीं बोलते यार. आई विश एवरी वन वेल. मैं सब लीडर्स को बोलती हूँ तुम्हारा अच्छा हो, कोई बात नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए नेगेटिव. मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, ठीक है, सेंडिंग यू पॉजिटिव एनर्जी. ठीक है, सो ओके, सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके हिडन ओपोनेंट्स हैं और ये लोग इसी फिराक में बैठे हुए हैं कि जहाँ आपका थोड़ा ध्यान भटके काम से, या आपकी पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा भटके, यू नो, थोड़ा कम हो और ये आपकी जगह लें, आपके थ्रोन पे बैठें. ठीक है, सो और ये जो आपके ओपोनेंट्स हैं ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग, देखो सबकी एनर्जी पिकअप होती है फ्रेंड्स, तो जितना रेजोनेट होता है वो लीजिएगा. आप में से कुछ लोग लोनर टाइप के पर्सन हो सकते हो. आई एम हियर एक इंडिगो चाइल्ड, स्टार सीज और इंडिगो चाइल्ड या लोनर. ओके, आपको अपना सॉलिट्यूड बहुत पसंद है. आप शायद रिक्लूज ऑल्सो, आई एम हियरिंग प्रीटी मच द सेम थिंग. आपको फालतू सोशलाइज करना या फेक लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं है, जब आपको पता है दे डोंट विश यू वेल. दैट मेक्स सेंस. ओके, आप जो है, आपको काफ़ी, आप ओवर थिंकिंग, एनजाइटी और टेंशन और स्लीपलेस नाइट्स के शिकार हो जाते हो. ठीक है, और थैंक्स टू दीज फ्रेनिमीज एंड हिडन ओपोनेंट्स, इनकी वजह से होता है आपको सर नज़र भी बहुत लगती है. ठीक है, और आप इतने, आपके ऊपर सर ब्लैक मैजिक करने की भी कोशिश करी है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है.
सब कुछ चैनल डिफरेंट साइकिक है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल, सब स्पिरिट जो मैसेज देते जा रहा है मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है। सो मुझे, क्योंकि मैं क्लेवर्ड रीडर सो, ठीक है, सो मुझे सब मैसेज आ रहे हैं कि ये जो ना आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी सेंड करने की कोशिश करी गई थी बट वो फेल हो गया, वो आपकी जो विल पावर है ना भाई साहब, ठीक है, आपकी विल पावर, आपकी पॉजिटिविटी, आपके अच्छे कर्मास, कुछ भी कह लो मतलब, ठीक है, आपके वेल विशर्स भी हैं, आपकी फैमिली हो गई या कुछ लोग आपने अच्छा किया था, दोस्त हो गए, कोई आपके वेल विशर्स हैं जिनकी दुआएं बहुत ज़्यादा आपके साथ हैं, तो ऊपर ऑब्वियसली एंसेस्टर्स भी हैं, गॉड गॉड भी हैं जिनकी वजह से आप बच जाते हो, ठीक है, और बच गए हो आप, ठीक है। और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये लोग ना लिटरली आपके साथ कुछ ऐसा है, आपके कोई पुराने कोलीग्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, जो सामने आपके इतने अच्छे बनेंगे, इतने मीठा बोलेंगे जैसे चाशनी घोल के, और पीछे पीठ पीछे देखो छुरा घोपरा हुआ है इसके, इस तरह के लोग हैं। हो सकता है आपके कुछ रिलेटिव हो, कुछ भी ऐसा कोई हो सकता है, कोई ऐसा हो भी कि मतलब शब्द नहीं बोल रहे, वो कांटे उगल रहे हैं लिटरली, कि मतलब तीर की तरह चुभे। माई गॉड, मुझे इतना ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि आप हर्ट होते हो, आपको रोते हो आप, देखो आपकी एनर्जी देखो, आप रोते हो, आप बहुत रोते हो, आपको बहुत एंजाइटी होती है, मतलब किस तरह के लोग होते हैं यार, मतलब लिटरली, मतलब ओ गॉड, नो वंडर आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो, आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे, नेगेटिव बोलने लग जाओगे, आप जो है आप अकेले में चले जाओगे, अकेले अपने रूम में बंद कर लोगे खुद को, कुछ लोग करते हैं ऐसा, बट अच्छी बात पता क्या है, आप ना पहले बर्दाश्त कर लेते थे बट अब आपने इन लोगों से खुद को दूर कर दिया, या आपने जवाब देना सीख लिया, या फिर आप पोलाइटली जवाब देते हो, या आप कुछ ना अलग कर लिया आपने इन लोगों से खुद को, ठीक है, और आप ना अपनी एनर्जी को ट्रेसपास नहीं करने देते, कुछ चीज़ है आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए फ्रेंड्स, और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और अब आप ना आपकी पावर झलक रही है सामने वाले को, वो ये दे जस्ट हेट इट, आपके एनिमीज़ को नफरत हो रही इस चीज़ से कि भाई ये इतने पावरफुल, इतने कॉन्फिडेंट, इतने स्टेबल करियर में, आप हो सकते स्टेबल हो गए हो, कुछ अच्छा चल रहा है आपके करियर में, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, आपके हेटर्स को ये बात भी पसंद है कि आप एक बहुत अच्छी फैमिली से आते हो, बहुत पैसा हो सकता है आपकी फैमिली के पास, बहुत अच्छी लीनेज है, बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छी खानदानी, मतलब उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है। और आप हो सकते हैं कि आपकी फैमिली का पैसा तो अलग साइड छोड़ दो, आपने खुद में इतना दम है कि आपने खुद अपना पैसा क्रिएट किया है, या आप खुद अपना पैसा लीनियज लेगेसी क्रिएट कर लोगे, वो ये बात जानते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हो, या कुछ इंस्टेबिलिटी चल रही हो जॉब में, लव लाइफ में, तो वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वो जानते हैं आपको बार बार नीचे गिराया जाता है, तभी आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या आपके पैसों में, करियर में प्रॉब्लम्स आते हैं। उन्हें पता है कि अगर आपको कंसिस्टेंटली आप रहे ना तो आप अच्छा लेगेसी बना लोगे, तो वो ये लोग नहीं चाहते, बट मुझे दिख रहा है इवेंचुअली आप बना ही लोगे, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, क्योंकि मैं मानती हूँ जो आपकी किस्मत में लिखा होता है ना आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। सो एक चीज़ मुझे और आ रही है कि आपके कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या आपके कोई पर्सन है जिनको आप पसंद करते हो, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इनसे भी जेलसी है, इनसे भी जेलसी है कि उसको मतलब वो ऐसे सोचते, ये नहीं सोच रहे कि आपके पर्सन जो है ना, वो ये सोचते कि वो बहुत लकी है आपको पाके, हो सो वो दिखाते हो ना दिखाते हो बात अलग है, बट आपके पर्सन को ये लगता है कि मैं इतना लकी हूँ मैं, या मैं इतनी लकी हूँ इसको पाके ना, पाइल टू को पाके, कि इसको तो कोई भी मिल सकता है यार, इसको तो कोई भी मिल सकता है, वो इनसिक्योर है, पोजेसिव भी होते हैं, ठीक है। बट लोग क्या बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि ये इतना लकी है, इतनी लकी है उसको, ये इतना अच्छा पर्सन कैसे मिल गया, इसकी तो लॉटरी लग गई, इसको इतना अच्छा पर्सन कैसे मिल गया, इसको ये डिजर्व करती है, ये डिजर्व करते हैं, इसको इतना अच्छा पर्सन मिले, दैट्स व्हाट दे हेट। आप फर्क देखो, आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझते हैं, वो ही समझते कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, पायल टू इतने यहाँ पे पेडेस्टल पे बापूल रखते हैं वो पर्सन, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते लोग यार। मेरी तो फिलॉसफी है ना, लिव एंड लेट लिव, मतलब लाइक लिटरली मुझे मैसेज आ रहा है, कुछ लोग ना कांटे उगलते हैं शब्दों से, यू नो बहुत हर्ट करते हैं आपको, आप रोते हो, आप अंदर से घायल हो चुकी है आपकी आत्मा, आपका दिल अंदर से घायल हो चुका है, बट क्योंकि आप पॉजिटिव हो, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हो, कुछ ना कुछ आप वापस बाउंस बैक कर ही लेते हो,
टचवुड, ठीक है। और ये देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी किसी की हो सकता है शादी या कोई रिलेशनशिप, कोई रिश्ता, कोई सगाई, कोई कुछ हो सकता है, कुछ टूटा था या कोई चाहता है कि टूटे, या कुछ ऐसा आ रहा है कि कभी भी आप कोई कुछ खुशियाँ होती है ना आपकी फैमिली में, मान लो आपकी फैमिली में खुशियाँ, आप अच्छी पिक्चर फैमिली के साथ पोस्ट कर रहे हो, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप खुश हो अपनी रिलेशनशिप में, फैमिली में, शादी में, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह गॉड, कितना फालतू टाइम होता है ना लोगों के पास, लिटरली सीरियसली। और देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह राइज कर रहे हो आप, मतलब पहले सबमिसिव थे, शायद मैंने अभी एक रीडिंग भी करी थी ऐसी ना कि हाउ डू पीपल सी यू, ठीक है, आपके ऊपर क्या गॉसिप, ऐसा कुछ वीडियो था, उसमें भी ये कार्ड आया था कि वो लोग लगता है कि यार ये तो डोमिनेटिंग हो गई है या हो गया है, बॉसी हो गई है, ये उल्टा हाजिर जवाब हो गया, उल्टा जवाब देने लगे, उनको ये नहीं दिख रहा कि भाई कितना बर्दाश्त किया इस पर्सन ने, हद होती है बर्दाश्त की, हद होती है ना बर्दाश्त की, सीमा होती है एक बर्दाश्त की, है ना। तो वो हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है चीज़, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पावर, आपका ये यू नो कि अब आप नॉन, यू वोंट टेक एनी बीएस फ्रॉम एनीवन, आप नॉनसेंस नहीं लेने वाले हो, आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। सो इसके अलावा मुझे ये भी आ रहा है आपकी कोई चीज़ें चोरी करी जाती हैं, या आप भी कुछ मतलब कुछ शॉपलिफ्ट, कुछ ऐसा मतलब गायब हो जाती हैं चीज़ें आपकी, चोरी करी जाती हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी लीक करते हैं आपके अराइवल्स, आपकी आइडियाज़ चुराते हैं, आपके कॉन्सेप्ट चुराते हैं, ठीक है, और आपके ऊपर उल्टा ब्लेम गेम्स डाल कर देते हैं, ठीक है। सो एक मैसेज ये आ रहा है, बट गाइस मुझे मैसेज आ रहा है कि आप अपने करियर पे, अबंडेंस पे फोकस कीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है अगले साल अप्रैल से जुलाई तक आपकी सगाई, कुछ एंगेजमेंट हो रही है आपकी डिवाइड काउंटर पार्ट के साथ, सो हैप्पी फॉर यू गाइस, आपकी नेक्स्ट ईयर अप्रैल से जुलाई तक एंगेजमेंट हो गई है भाई आपकी डिवाइड काउंटर पार्ट के साथ, क्लेम करना है इसको, ठीक है। सो कोई कुछ भी कर ले, मैंने कहा ना आपकी किस्मों की तो खुशी लिखी है ना, कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। सो वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल, ओके। अब आप इमोशनल फूल नहीं बनते हो, ठीक है, आप दिमाग से और बैलेंस करके चलते हो इमोशंस को, ठीक है। आप अपने आपके अंदर जो मुझे भी यार बहुत अट्रैक्टिव लगने लगे हो आप पहले से, आप अपनी पर्सनालिटी पे और ध्यान दे रहे हो, आप खुद को बेहतर बनाना चाह रहे हो या बनाने वाले हो, आप अपने बेटर वर्जन और बनने वाले हो, ठीक है। सो खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है, आपको कहा जा रहा है कि आपको जो लाइफस्टाइल चाहिए, जो गोल, जो विशेज है ना आपकी, आप पूरी कर सकते हो, बट आप अपने आप ना थोड़ा, जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिकली सोचो, करियर पे, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो, बाकी सब आप कर लोगे, ठीक है। तो आप सारे गोल्स, ड्रीम्स सब अचीव करोगे, मार्क माय वर्ड, स्पिरिट कह रहे हैं, साइकिक मैं बोल रही हूँ, सब अचीव करोगे, बस स्पिरिचुअलिटी आपको पीस ऑफ माइंड देगी, आपको स्ट्रेंथ देगी, आपको इंट्यूशन शार्प करेगी, जैसे आप लोगों को पहचान पाओगे, करियर पे फोकस करोगे तो आपकी अबंडेंस आएगी, बस बाकी आप सब हैंडल कर लोगे, ठीक है। मुझे लिटरली दिख रहा है आपके सारे सपने पूरे होंगे, ठीक है। सो बस आपने थोड़ा ना ध्यान मत दिया करो भाई क्या बोल रहे, कुछ करो, अपने उस पर ध्यान दो, ठीक है। सो मुझे एक मैसेज आ रहा है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं नो कॉन्टैक्ट में हैं, या कुछ ऐसा जो भी कॉन्टैक्ट कम है, वो बात नहीं करते, ओपन अपनी होते हैं, जो भी अगर कॉन्टैक्ट है तो। और देखो हायरोफेंट का कार्ड है, आपकी विजडम, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आपके हेटर्स को लगता है कि भी हमारी डिग्रीज अच्छी हैं, या हमारी हो सकते हैं उन्होंने कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, या जो भी है, खुद को मतलब वो कहते हैं कि ये हमसे, लेकिन उनको आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स, आपकी विजडम, आपका नॉलेज, आपकी एक्सपर्टिज है, एक हो सकता है गॉड गिफ्टेड हो, तो वो उनको लगता है कि यार कि मतलब कैसे ऐसे कैसे, मतलब हम वो इतनी अच्छी डिग्री होके भी नहीं कर पाते जो आप कर लेते हो, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में कुछ बातें बोली थी गुफ्तगू में, ज़रूर देखना डिग्रीज और एजुकेशन और लिटरेट होने में क्या डिफरेंस होता है तीनों चीज़ों में, ठीक है, वो ज़रूर देखना, ठीक है। तो मतलब
क्योंकि आप उनको दिख रहा है, आपके ओपोनेंट्स को भी दिख रहा है कि आप हायर फैन की पोजीशन पे पहुंचने के काबिल हो और पहुंचोगे, आप फ्यूचर में आपके फॉलोअर्स होंगे, लोग आपके यू नो लिटरली आपके आगे शीश झुकाएंगे और आपको यू नो आपको आपसे एडवाइस लेने आएंगे, आपको गुरु मास्टर की पोजिशन पर पहुँचते हुए दिख रहे हो आप. आई एम नॉट ऑब्वियसली 1000 लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो आई विश एवरी वन वेल, बट कुछ के साथ ज़रूर मुझे रेजोनेट होता हुआ दिख रहा है ये, ठीक है. और मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप सक्सेसफुल पोजिशन में पहुँचने वाले हो, बट क्या गाइडेंस है मैंने आपको अभी बताया, ये अचीव करने के लिए आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी है, ठीक है. तो वो फॉलो करोगे तो आप अचीव करते हुए दिख रहे हो. एंड हो सकता है ट्रेडिशनल माइंडसेट के पर्सन, आपकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, यू गो फॉर अ ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है. सो ये चीज़ एंड सम ऑफ आपके हेटर्स जो है ना, तो दे फील यू वेरी सेडक्टिव, वेरी चार्मिंग, वेरी करिज्मेटिक, बहुत हॉट एंड बहुत अट्रैक्टिव आप लगते हो. कुछ भी पहनो ना आप सब में अच्छे लगते हो. उनको ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब ओ गॉड क्या बर्दाश्त होता है अभी तुमसे, ठीक है. मुझे लिटरली ऐसा मैसेज आ रहा है कि वेन यू वॉक इन टू अ रूम ना, यू टर्न हेड्स, वहाँ की एनर्जी अपलिफ्ट कर देते हो आप, वाइब्रेशन रेज कर देते हो आप, जिस रूम में एंटर करते हो, कदम रखते हो ना, एंड आप कहीं से गुजरते हो लोग पलट के देखते होंगे, समथिंग अबाउट योर वॉक, जिस तरह से आप चलते हो या कुछ ड्रेसिंग सेंस, लोग आपको पलट के देखते हैं, जैसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है. और मुझे मैसेज आ रहा है नेक्स्ट ईयर जुलाई तक आपका कुछ लेवल अप होने वाला है, पर्सनैलिटी भी आपकी ट्रांसफॉर्म होने वाली है कुछ लोगों का, अगर आप ऐसा चाहते हो तो, ठीक है. सो गाइज, हमें सबको बेस्ट विशेस सेंड करनी चाहिए, हम किसी को हेटेड नहीं करेंगे. ये रीडिंग को आप इस तरह से लीजिएगा कि आपको पता चल गया है तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, इस तरह से, ठीक है. हम हेटर्स को भी बेस्ट विशेस देते हैं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ठीक है. चलो ओके. सो गाइज, अपने डिवाइन पावर जिसमें आप मानते हो उनका जो है उनको याद, उनका नाम टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या आप टाइप कीजिएगा ओम नमः शिवाय, एंड महाकाल शिव जी विल टेक केयर ऑफ ऑल योर एनिमीज एंड विल ब्लेस यू जी. सो गॉड ब्लेस यू, टेक गुड केयर, चाओ.